साथियों, मकसद में कामयाबी पाने का एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही आसान अमल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वो अमल है कि जिसे करके रूहानी मदद के ज़रिए आप अपने किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने किसी भी काम को रूहानी मदद के ज़रिए पूरा कर सकते हैं, अपने किसी भी मुराद, मनोकामना, हाजत को रूहानी मदद के ज़रिए पूरा कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ अपने घर में बैठकर। और मज़े की बात तो ये है कि इस अमल को कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। औरत, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भाई इस अमल को करना चाहे तो कर सकता है, आम इजाजत है। तो जहाँ पे ये अमल बहुत आसान है, कोई भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, बड़ा ही कामयाब मुजर्रब अमल है, कई बार का आजमाया हुआ अमल है। तो पूरे सुकून के साथ बिना किसी जल्दबाजी के अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे याद करेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो बोनस अमल भी बताने जा रहा हूँ। और ये दो बोनस अमल वो अमल हैं कि जिसकी ज़रूरत हमको है, आपको है, सबको है, हर घर को है। और ये दो बोनस अमल जिसे हासिल हो गया, उसकी शोहरत का, उसकी ताकत का, उसकी इज्जत का और उसके दौलत का कोई ठिकाना नहीं रहता है, फिर वो बहुत पावरफुल इंसान बन जाता है। तो बिना किसी जल्दबाजी के बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं अपनी बात को, पूरी बात को आप तक पहुँचा सकूँ और आपको एक बेहतरीन फ़ायदा दे सकूँ। तो मकसद में कामयाबी के लिए ये अमल ये है, ये अमल अल्लाह तबारक व ताला के सिफाती नामों में से, पाक नामों में से एक नाम का है, और वो नाम है या हकीमु, या हकीमु, या हकीमु। साथियों, इस नाम का मतलब है कि ऐ बड़ी हिकमत वाले, और ये नाम जमाली है, इसकी तासीर खाकी है। किसी भी मकसद में अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपका मकसद नेक है, तो वो चाहे मकसद छोटा है चाहे बड़ा है, आप उस नेक मकसद के लिए, जायज काम के लिए, अपने किसी भी जायज काम को बनाने के लिए, किसी भी जायज मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस अमल को करके देखना। तरीका ये है कि बाद नमाज इशा आप मुकम्मल यकसुई के साथ, तहारत पाकिजगी के साथ बावजू होके, क़िबला रुख होके बैठ जाइए और अपने काम की, अपने मकसद की नियत कीजिए कि इस मकसद में कामयाबी के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये नियत कर लीजिए। अमल का दारोमदार तो नियत पर ही है, तो नियत करिए, मजबूत नियत कीजिए। अब अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़िए, अब 3000 बार पढ़िए या हकीमु, या हकीमु, या हकीमु, या हकीमु। यहाँ पे याद रखिए कि गिनती पूरी होने के लिए नहीं पढ़िए कि या हकीमु, या हकीमु, या हकीमु, या हकीमु, या हकीमु पढ़ रहे हैं और आपका जहन कहीं और है और आपका दिल कहीं और है। अपने जहन को भी, अपने दिल को भी, अपने आप को भी अपने हाजिर रखिए और पूरे यकीन के साथ, दिल की गहराई के साथ, दिल की ज़बान से आप इस वजीफे को, इस अमल को पढ़िए। और ये सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रखिए कि उसी जगह पे, उसी वक्त पे रोज़ाना जाइए। अपने काम की नियत तो आपने किया ही है, रोज़ाना नियत कीजिए और आखिर दुरूद पाक 11-11 बार पढ़िए और 3000 बार या हकीमु, या हकीमु, या हकीमु पढ़िए 3000 बार रोज़ाना। इसी तरह से एक हफ्ते तक कीजिए और रोज़ाना अमल के खात्मे के बाद रब की बारगाह में आप जो है दुआ कीजिए। रब की बारगाह में टूट कर, दिल से रो कर, आजिजी के साथ दुआ कीजिए
इंशाल्लाह अजीज एक हफ्ते में आप करिश्मा देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा देखेंगे कि जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस मनोकामना के लिए, जिस मुराद के लिए, जिस चाहत के लिए, जिस ज़रूरत के लिए आप ये अमल पढ़ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा, आपका वो काम बन जाएगा, आपकी वो बात बन जाएगी जिसके लिए भी आप ये अमल पढ़ रहे थे। दरअसल आप अल्लाह तबारक व तआला के उसके नाम से या हकीम आए हिकमत वाले, आए बड़ी हिकमत वाले के नाम से पुकार रहे थे और आप दिल से पुकार रहे थे, और आप रोजाना अमल के बाद, वजीफे के बाद रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करके दुआ कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। तो जब कोई बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो सुनता है उसकी पुकार को और उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, फिर वो उसको अता फरमा देता है जिसकी वो उससे सवाल करता है। तो हमारे लिए और आपके लिए कोई काम बड़ा या छोटा हो सकता है, रब तबारक व तआला के लिए नहीं। तो इस तरह से आप अपने घर बैठे अपने किसी भी मकसद में, काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं रूहानी मदद के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ। 3000 बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन वक्त की और जगह की पाबंदी करना है। अगरचे परहेज इसमें तरके जमाली व जलाली का नहीं है, लेकिन शरीयत मुतहरा की पाबंदी का है, और झूठ, चोरी, गीबत आदि ममनुआत शरई से आपने जो है परहेज लाजमी करना है, और इस तरह से आप जो है हैरत अंगेज रिजल्ट देखेंगे इस आसान अमल को करके। अब बात करते हैं उन दोनों बोनस अमल के बारे में। तो जो दोनों बोनस अमल मैंने आपके लिए बताने के लिए कहा है, वो पहला अमल ये है, ये तो मकसद में कामयाबी के लिए मैंने आपको बताया, जो कि बहुत काम का है, मुजर्रब है, बड़ा आसान है, बहुत ही पावरफुल है, ये तो हो गया। अब उन दोनों बोनस अमल के बारे में आप ध्यान से सुनिए और इन अमल को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बड़े काम के हैं, बड़े काम आएंगे आपके, अभी भी काम आएंगे, आगे चलकर भी काम आएंगे। तो पहला अमल ये है बोनस वाला कि अगर कोई ये चाहे कि मेरे लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल जाएं, मुझे इल्म हासिल हो जाए, मेरा सीना इल्म से भर जाए, मेरी याददाश्त तेज हो जाए, मेरा दिमाग तेज हो जाए, बड़ा हो जाए, मैं जहन वाला हो जाऊं, तो उसके लिए यह अमल बड़े काम का है। ये नाम पढ़ना या हकीमों पढ़ना बड़े काम का है। अगर कोई इल्म का तालिब है, कोई अपने सीने में इल्म का समंदर भरना चाहता है, अपने लिए इल्म के चश्मे खोलना चाहता है, तो वो जो है इसी नाम की कसरत करे। कि वो इस नाम की कसरत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसके लिए इल्म व हिकमत के दरवाजे खोल देगा और उसको जहन वाला बना देगा, याददाश्त तेज हो जाएगी उसकी, और तेज दिमाग वाला बना देगा उसको, और उसके अंदर उसके सीने में इल्म का जखीरा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इल्म के गुलाम जो है ना, दौलत भी है और शोहरत भी है। तो जिसने इल्म हासिल कर लिया, जिसने इल्म हासिल करने में कामयाबी, महारत हासिल कर लिया, फिर कयामत तक, दुनिया के फना होने तक उसका नाम रहेगा, उसका इल्म बाकी रहेगा, और उसके लिए दौलत और शोहरत तो उसके गुलाम होंगे ही, और इस तरह से दौलत और शोहरत ही नहीं, लोग भी उसके लिए मुसख़र हो जाएंगे, लोग भी उसके लिए उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, सर झुका देंगे। तो ये अमल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमल है। जो लोग इस अमल की अहमियत जानते हैं वही जानेंगे कि ये अमल क्या है, और इल्म क्या है, तेज दिमाग क्या है। ये भी एक फन है, जिसको ये हासिल हो गया, तेज दिमाग, याददाश्त की तेजी, हाफिजे की कुव्वत और इल्म, जिसको ये हासिल हो गया, ये बहुत बड़ी दौलत है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी दौलत है। आज अगर कोई इस अमल को शुरू करे तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उसके लिए इल्म व हिकमत के दरवाजे खोले, और जिस नियत से वो इस अमल को पढ़ रहा है, अल्लाह तेरे नाम को पढ़ रहा है, उसको उसमें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए।
और साथियों दूसरा बोनस अमल ये है कि अगर कोई पति पत्नी मियां बीबी के बीच में लड़ाई झगड़ा नाराजगी नाइतफाकी हो गई है, तो चाहे वो दूर रह रहे हों चाहे वो दोनों पास रह रहे हों, अब उनकी लड़ाई झगड़ा नाराजगी नाइतफाकी को ख़त्म करने के लिए, दोनों को दो जिस्म एक जान बनाने के लिए, दोनों में मोहब्बत गहरी करने के लिए इसी नाम से एक बेहतरीन अमल है। वो ये है कि पति चाहे करे पत्नी के लिए, पत्नी चाहे करे पति के लिए, मैं भी एक दूसरे के लिए इस अमल को कर सकते हैं। तरीका ये है कि थोड़ी सी चीनी ले, कोई खाने की चीज़ ले, पाक साफ चीज़ खाने के लिए, और उस पर मोहब्बत गहरी करने की नीयत से, लड़ाई झगड़ा नाराज़गी नाइतफाकी ख़त्म करने की नीयत से अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़े और 1000 बार या हकीमु या हकीमु या हकीमु पढ़े, और उस चीनी पर या खाने या पीने की चीज पर दम कर दे और इसे हिफाजत से रख ले, मौका मिलते ही अपने शौहर को, अपने पति को या कोई अपनी पत्नी को, अपने बीवी को खिला दे। इंशाअल्लाह अजीज इसे खिलाने से हैरत अंगेज रिजल्ट होगा कि उसके दिल से नफरत नाराजगी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, दोनों में मोहब्बत गहरी होगी, दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। एक दिन में ऐसा हो जाएगा इंशाअल्लाह अजीज, बड़े काम का पावरफुल अमल है। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है एक दिन में, तो आपने एक काम ये करना है कि एक चीज आपने लेना है, चीनी लेना है, और 11 दिनों तक आपने इसी अमल को रोजाना करना है कि रोजाना अपने काम की नियत करके अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़िए, 1000 बार या हकीमु या हकीमु या हकीमु पढ़िए, और उस चीनी पे दम करते रहिए, दम करके कहीं ऊंची जगह रख दीजिए, फिर दूसरे दिन उसी जगह पे उसी वक्त पे यही अमल पढ़िए, 11 दिनों तक पढ़िए। अब 11 दिनों के बाद उस चीनी को अपने पति या पत्नी जो जिसके लिए कर रहा है, 11 दिनों बाद उसको खिलाए। इंशाअल्लाह अजीज ऐसा करने से बरसों पुराना भी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह के फजल करम से दोनों में इत्तफाक हो जाएगा, नाराज़गी नाइतफाकी ख़त्म हो जाएगी, दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, दोनों में मोहब्बत गहरी हो जाएगी। रोज़ाना अमल के खात्मे पर दुआ भी करें और ये अल्लाह के पाक नाम का वजीफा भी करें। इंशाअल्लाह अजीज बहुत ही अच्छी जो है आपको कामयाबी मिलेगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों ये रहा मकसद में कामयाबी के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए और अपने किसी भी काम को रूहानी मदद के ज़रिए बनाने के लिए और अपने सीने को खोलने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, अपने लिए इल्म व हिकमत के दरवाज़े खुलवाने के लिए अल्लाह की ग़ैबी मदद के ज़रिए और मियां बीबी के दरमियान नाराज़गी नाइतफाकी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। एक बात मैं यहाँ पे और आपको अर्ज कर दूँ कि जो मियां बीबी एक दूसरे से दूर हैं वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी यही अमल है, इसी नाम का अमल है। उसका तरीका ये है कि अगर वो दूर रह रहे हैं तो वो जो है एक दूसरे के लिए इस तरह करेंगे कि जिस तरफ वो रह रहा है उसके घर की डायरेक्शन पता है तो उस तरफ मुंह करके बैठेंगे, नहीं पता तो किबला रूह होके यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेंगे। अब अपने मतलूब को, अपने महबूब के दिल में मोहब्बत गहरी करने के लिए, नाराज़गी नाइतफाकी ख़त्म करने के लिए इस अमल को पढ़ेंगे, लेकिन इस नाम को 11000 बार पढ़ना होगा। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़िए और 11000 बार इसी नाम पाक को पढ़िए और 11 दिनों तक पढ़िए। रोज़ाना अमल के खात्मे पर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अजीज आप 7 समंदर पार भी क्यों न होंगे, आप कितनी ही दूर क्यों न होंगे, आपकी मोहब्बत आपके महबूब के दिल में नक्श हो जाएगी, नाराज़गी लड़ाई झगड़ा नाइतफाकी गलतफहमी सब ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत गहरी हो जाएगी, और जब मोहब्बत गहरी हो जाएगी तो दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे और इस तरह से दूर बैठे लोग भी पति पत्नी के लिए, मियां बीवी के लिए, एक दूसरे के लिए करके
इस अमल से बेहतरीन फायदा अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस अमल की इजाज़त आम है, और अगर आप अपने लिए दुआ खास कराना चाहते हैं, अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका नाम दुआ खास में शामिल किया जाएगा, आपके लिए दुआ किया जाएगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। उपाय उसके अमल नक्श के साथ खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।